तो जैसा कि हम दोस्तों देख रहे हो, फाइनली सर्विस सेंटर पे आ गए। मैंने भी आपको बताया हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं जा रहा हूँ आज हंटर की सर्विस करवाने, उसकी सेकंड सर्विस से देखते हैं क्या कॉस्ट आती है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, भी चेक करेंगे और फिर बताएंगे आपको पूरी डिटेल। तो वीडियो पर बने रहे, और मुझे पता है वीडियो आया बहुत टाइम हो गया, तो अब वीडियो रेगुलर ही आएगी, करीब करीब कोशिश रहेगी रेगुलर आने की। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब सर्विस सेंटर डायरेक्ट। इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है आपके साथ से? क्या क्या दिक्कत आ रही है? वो तो सर्विस में ठीक हो जाएगा सब अपने आप ही। तो जैसा कि हम दोस्तों देख रहे हो, फाइनली सर्विस सेंटर पे आ गए। मैंने भी आपको बताया कि सर्विस करवाना है, इसलिए क्या करते हैं थोड़ा ऑयल वॉयल लीक हो रहा है इंजन के साइड से, तो वो भी खाएंगे और अपना बंद भी जाती है मशीन आ गई, वो भी चेक करवाएंगे। चलो दोस्तों फाइनली हम आ गए सर्विस सेंटर। एक मैं यहाँ से बात करती है, पहले यही आ रहे बाइक को पॉलिश हो रही है। अब पॉलिश कर रहे हैं भाई, कुछ इस टाइप से पॉलिश हो रही है। फाइनली अब हम आ गए हैं घर अपने, चल रहे हैं घर, सर्विस हो गई डन। मिट्टी कितनी कितनी मिट्टी उड़ाते हुए जा रहा है। सर्विस हो गई डन, इसमें ब्रेक शू डले जो आगे पीछे दोनों कोई खराब थे, सॉरी ब्रेक शू, हाँ डिस्पैड डले, और अपना करीब मतलब अपना करीब करीब 700-800 तो पूरी सर्विस डन होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत थी, क्लियर हो गई है और सारी सर्विस डन होगी। तो अब इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाबा जय हिंद, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे घर की साइड की हालत, बारिश से काले हो गए पर काले ही भरा रहता है थोड़ी सी देर पर, आके बंदे ही ऐसे हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों घर।